देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर हैज अ रिजल्टेंट ऑफ 200 न्यूटन पॉइंटिंग अप अलोंग वाई एक्सिस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा। हमें पता करनी है वैल्यू एफ एंड थीटा की, पर यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, जो रिजल्टेंट है 200 न्यूटन का वो पॉइंटिंग अप दिया है अलोंग वाई एक्सिस। अप मतलब ये अप है, ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू हमें कितनी दी है 2000 न्यूटन दी है यहाँ पे। अभी हमें वैल्यू पता करनी है एफ एंड थीटा की, तो हम क्या करेंगे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे, ये वाला रिजोल्यूशन उसका अलोंग एक्स एक्सिस में आएगा एफ इंटू कॉस थीटा, अलोंग वाई डायरेक्शन में आएगा एफ इंटू साइन थीटा। इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस ही दिया है, यहाँ पे 240 न्यूटन का फोर्स दिया है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा 240 इंटू कॉस 30 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल एंगल दिया था उसका, और यहाँ पे आएगा 240 इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ पे रिजल्टेंट दिया था, हमें फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या दिया है क्वेश्चन में, पॉइंटिंग अप अलोंग वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं समीशन एफ ऑफ वाई, सो 200 इंटू समीशन एफ ऑफ वाई, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ से समझ में आएगा। पर यहाँ पे समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अभी यहाँ पे हम समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यूज करेंगे, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस एफ इंटू कॉस थीटा, ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस दिया है, मतलब यहाँ पे आएगा 500। यहाँ पे दिया है निगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा प्लस 240 इंटू कॉस 30 डिग्री, समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, और इसका सॉल्यूशन आपको -500 प्लस 240 इंटू कॉस 30 डिग्री, ये तो आपको पता ही है कि वैल्यू जीरो है, जीरो इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे -292 पॉइंट समथिंग आता है इसका आंसर, सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 292 पॉइंट तो आएगा सपोज, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, समीशन एफ ऑफ आई यूज करेंगे, समीशन एफ ऑफ आई इज इक्वल टू या फोर डायरेक्शन पे फोर्स है, तो यहाँ पे आएगा प्लस एफ इंटू साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी रिजल्टेंट दिया है, और यहाँ पे दिया है -240 इंटू साइन 30 डिग्री। समीशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू पता है, यहाँ पे 200 आई, तो यहाँ पे 200 इज इक्वल टू एफ इंटू साइन थीटा -240 इंटू साइन 30 डिग्री, 200 प्लस यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 240 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ इंटू साइन थीटा, देयरफॉर एफ इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 320 के आसपास आता है ये वाला आंसर, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू और वन को डिवाइड करेंगे, मतलब एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 320 डिवाइडेड बाय 292.2, यहाँ से एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है, सो इक्वेशन थ्री में क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 292.2 आएगा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 320 डिवाइडेड बाय 292.2, थीटा की वैल्यू आप 46.6 डिग्री आएगी यहाँ पे वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, सो एफ इंटू कॉस
46.6 degree is equal to 292.2 n. So here see f is equal to 292.2 divided by cos 46.6 degree. Therefore force is equal to 433. क्या पता आंसर आता है? यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया है कैसे सॉल्व करने का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।